की 78वें स्वतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से। रेस्पॉन्स की उम्मीद होती है तो रेस्पॉन्स रखने अपना जो भी टीचर्स यहाँ पर आए या बच्चे आए बहुत सारे प्रोग्राम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Mm-hmm.
इंडिपेंडेंस डे है, इस नाम के अंदर ही ये जो नाम रखा हुआ इंडिपेंडेंस डे, यानी इंडिपेंडेंट होना, आज के दिन स्वतंत्र हुए थे। कल आपको बहुत सारी बातें रखी थी, जो भारत से टीचर आए हुए थे हमारे, उन्होंने विस्तार से बताया उसको शॉर्ट करके कि किस किस तरीके से आजाद हुआ, किस किस तरीके से बंटवारा हुआ हमारा, उसके विषय में थोड़ी बातें आज कर लेते हैं। उन वीर शहीदों के लिए जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस तरीके से स्वतंत्र हैं, उस आजादी के लिए उनका योगदान जो रहा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वीर शहीद रहे हमारे, मैं उदाहरण दूंगा हमारे महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, बाल गंगाधर तिलक जी का। मैंने बताया था आपको इंडिया गेट की जो ब्रिक्स है उन पे एक एक ब्रिक पे उन वीर शहीदों का नाम लिखा हुआ है, उन विभूतियों का नाम लिखा हुआ है जो हमारे देश के लिए स्ट्रगल करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मैं बात करूंगा विक्रम बत्रा जी की, विक्रम बत्रा जी जो कैप्टन रहे, पहले लेफ्टिनेंट वो अपॉइंट हुए थे। सभी बच्चे ध्यान से सुने, आज नहीं सुना तो फिर और बाकी दिन बेकार। स्वतंत्र होने में जब कारगिल की लड़ाई हमारी छिड़ी थी तो विक्रम बत्रा जी का नाम आता है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी शेरशाह, उनको विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह भी कहते हैं पुकारते हैं। शेरशाह मूवी देखिए किसी बच्चे ने, शेरशाह मूवी। तो उनकी आज बात करेंगे। विक्रम बत्रा जी हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए, एक गांव का छोटा सा, उसके अंदर उन्होंने जन्म लिया और मात्र 24 साल की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करूंगा, ज्यादा बातें शायद याद ना रह पाए इसलिए मैं थोड़ा रिटर्न में लेकर आता हूं उनके बारे में। तो उनके बारे में विस्तार से आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस किस तरीके से स्ट्रगल करके कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है, कारगिल की जो लड़ाई थी उसके बारे में किस तरीके से उनका योगदान था, किस तरीके से वो वीरगति को प्राप्त हुए, आप ध्यान से सुने सभी उनके बारे में। और याद होनी चाहिए, सब बातें याद होना चाहिए उन विभूतियों के बारे में जिनके वजह से, जिनकी बदौलत आज हम एक एक सांस लेने के लिए योग्य हैं। उनके लिए हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए, कब उनकी डेथ हुई थी, कब वो जन्म हुआ था उनका, सारी चीजें पता होनी चाहिए उनके बारे में। उनकी बदौलत ही हम जीत पा रहे हैं, नहीं तो आज भी ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर लागू रहता, जो अंग्रेज थे वो शासन करते आज भी, और आज भी हम उसी तरीके से जो प्रताप रहे थे वो आज शायद हम कहीं ना कहीं जेल में होते, मर जाते जेल में चलते क्योंकि वो जेल में लायक थी। मैं बात करूंगा विक्रम बत्रा जी के बारे में। कोई छोटा नाम नहीं था इनका, लिखना पड़ा क्योंकि याद रखते हुए वो सारी बातें नहीं बताई जा सकती, बहुत लंबा विस्तार में उनके बारे में परिचय दिया गया है। मैं बताता हूं आपको, जब उनकी शुरुआत हुई 24 साल की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हुए, नाम विक्रम बत्रा उर्फ उनको शेरशाह कहकर बुलाते थे, शेरशाह उनका जो उद्घोष था, एक वो युद्ध घोष कहा जाता था उनके लिए, जब उनको गौड़ होते थे कुछ तो उस बारे में उनको शेरशाह कहकर बुलाते थे। नाम पढ़ गया था उनका, 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। मैं बात कर रहा हूं विक्रम बत्रा जी की, 24 साल में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1995 में आर्मी की प्रिपरेशन के लिए, यानी आर्मी का अटेंड किया था, जो भी प्रोसेस होती है एग्जाम वगैरह पास करके, 1995 अपने पिताजी को कॉल की, 1996 में वो उन्होंने क्लियर कर लिया, मात्र एक साल में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। 1995 में तैयारी शुरू की और 1996 में उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 97 में उन्होंने कॉल करके बताया आईएमए में एडमिशन लेने के बाद, बहुत टफ ट्रेनिंग जो ऑफ सैनिक को दिए जाते थे और सैन्य बल को दी जाती थी, उससे टफ ट्रेनिंग उनको दी गई थी। उनके साहस को देखते हुए उनको जो ट्रेनिंग थी वो उनसे भी टफ दी गई, जो और सैन्य बल होता है नॉर्मल जो ट्रेनिंग होगी उससे टफेस्ट ट्रेनिंग उनको दी गई।
6 दिसंबर 1957 में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को कॉल की और बताया कि मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई है, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई है। नक्शे में कहां पर आता है कश्मीर? कहां पर आता है कश्मीर? सबसे ऊपर टॉप पे। तो उन्होंने अपने पिताजी को कॉल करके बताया कि भारत माँ ने मुझे अपने कंधों पर बैठाया है। अपने पिताजी के लिए ये सब बोले कि भारत माँ ने मुझे अपने कंधों पर बैठाया है। कंधों पर बैठाने का मतलब है जो पूरा मैप हम देखेंगे तो उसमें कश्मीर सबसे टॉप पर दिखता है। पिताजी एग्री नहीं थे आर्मी में पहुंचने के लिए क्योंकि ज्यादा भूमि होती है एक लाइन में। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो बॉर्डर पर हमारा सैन्य बल होता है उनके बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो लौट कर वापस आए। पता नहीं कौन सी होली उनकी आखिरी हो जाए, कौन सा फेस्टिवल, कौन सी दिवाली उनकी आखिरी हो जो वो घर पर मिल के जाए, या कौन सी कॉल आखिरी हो जाए उनका नहीं पता लगता। कब दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, कब क्रॉस फायरिंग हो जाए पता नहीं लगता इन चीजों का। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भारत माँ ने मुझे अपने कंधों पर बैठाया है और कंधों पर बैठाने से अर्थात था कि वो कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई। 1998 में कश्मीर में पोस्टिंग हो गई उनकी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सोपर गांव था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के अंदर, उसके सोपर विलेज में उनकी पोस्टिंग रही जहां पर आतंकवादियों को गढ़ माना जाता है। उस टाइम में जब कारगिल का ये चला हुआ था सारा प्रोसेस तो उस टाइम पे आतंकवादियों को गढ़ माना जाता था। वहां पर पोस्टिंग होने का मतलब यह था कि पूरा जो इलाका था वो डेंजरस था, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था पूरा वो बारामूला पूरी जगह टेररिस्ट का अटैक रहता था। कब किस टाइम पे स्थिति बदल जाए, किस टाइम पे कितने खून खच्चर हो जाए कुछ नहीं पता लगता। तो वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई और वो गर्व के साथ वहां पर गई। गर्व की बात उनकी यहीं से पता लग जाती है जब उन्होंने कहा अपने पिताजी से कि मां ने मुझे कंधों में बैठाया। अब कंधों में बैठाया तो वो पोस्टिंग उनकी वहां पर कश्मीर में हो गई। कश्मीर में पहुंचे तो टेररिस्ट अटैक हुआ, लगभग उनकी जो पूरी बटालियन थी उनका उनको लेफ्टिनेंट की कमान सौंपी हुई थी तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपको इस पूरी बटालियन को लेकर के पूरे में फैलाना है और किस किस तरीके से क्या करना है वो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट थे उस टाइम तो वो ले गए पहाड़ियों में चले थे, ऊपर से टेररिस्ट की गोलियां लगातार, बर्फीला क्षेत्र का बहुत बर्फीला क्षेत्र माना जाता है, बहुत बर्फीली पहाड़ियां मानी जाती है इस इलाके में। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे लगातार गोलियों की बौछार, लगातार ऊपर से ईंट पत्थर जो वहां के कश्मीर का बहुत जो टॉपिक है वो क्रिटिकल रहा है हमेशा और आज तक भी क्रिटिकल रहा था, आज तक भी क्रिटिकल रहा था क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आए थे, कभी पत्थरबाजी हो जाती थी, कभी किसी तरीके का और हमला हो जाता था। तो परमानेंट वो सुर्खियों में रहा है हमारा कश्मीर को। अब जाकर के थोड़ी सी शांति हुई है जब से 370 वहां से हटाई गई, धारा 370। जब आतंकवादियों के साथ उनका सामना हो रहा था, चल रहा था, उनका जो एक बटालियन का एक जो उनका मेंबर था उनके पीछे था एज अ फ्रेंड कह सकते हैं, तो इतना ग्रुप में प्यार पड़ जाता है उनमें कि उनको पता होता है, उनकी आत्मा को पता होता है कि किस टाइम हम साथ में पहुंचेंगे और किस टाइम पहुंचेंगे डेड बॉडी वहां पर गिर जाए हमें पता नहीं लगता। तो कभी गुस्से गस्से वाली तो बात रहती नहीं, उनको पता होता है कि किस समय किस टाइम किस सेकंड हमारी आखिरी सांस ली जाए, तो हमें कभी गुस्सा रसा किसी तरीके का नहीं है। साथ में उनके मेंबर था उनके बटालियन का, जब सामने से गोली चलती है तो पीछे वाले की छाती में जाकर लग जाती है, उनके कंधे से छूटी हुई पीछे जो उनका एक सोल्जर था उनकी छाती में जाकर लग जाती है और डेड बॉडी गिर जाती है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं बारामूला की, जब उनकी पहली पोस्टिंग थी इनकी विक्रम बत्रा जी की, तो जब गोली लग जाती है एकदम से रोष उत्पन्न हो जाता है पूरी बटालियन में, प्रतिशोध में क्रॉस फायरिंग हुई द्वारा से, काफी लंबी वो लड़ाई चली और जब प्रतिशोध फैल गया तो उसके बाद क्या करा जाता था, विजय घोष के तौर पर उनका एक नारा रहता था विक्रम बत्रा जी का, उस नारे में वो कहते थे दुर्गा माता की जय। जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं ना सभी,
सोम का एक उपघोष होता था, विजय घोष उसे कहते हैं। विजय घोष में वो अपने बटालियन को उससे इंस्ट्रक्शन देते थे दुर्गा माता की जय। उसके साथ उनको पता लग जाता था बाकी बटालियन को कि अब फैल करके किस तरीके से हमला करना है, वो सारी चीजें उनको पहले सिखाई गई बताई गई। और वो एक बात और बोला करते थे, जब अगली चोटी पर पहुंचना होता था हमला करते हुए तो वो एक बात और बोलते थे, दिल मांगे वो, एक युद्ध घोष होता था उनकी तरफ से, दिल मांगे वो, यानी दिल और मांगता है इसी को, दिल मांगे वो एम वो आगे वाला वो, यानी उससे भी ज्यादा। तो जब इस तरीके से दुर्गा माता की जय का उद्घोष करते हुए वो पहुंचते थे अगली चोटियों को, हिंद में उनकी पहुंचनी थी, सबसे बर्फीला क्षेत्र उसको कहा जाता है। तो जब सामना चलता रहा, दुश्मन की गोली लगती रही, केवल एक सोल्जर उसमें से उनका डेड बॉडी उसके गई, एक सोल्जर एक शहादत केवल हुई पूरे बटालियन में। उसके बाद उनको सारी चीजें प्रतिशोध में बदल गई, यानी बदला लेना था। जब एक मेंबर उनका डेड हो गया, एक वीर शहीद हो गया, तो उसके बाद पूरे उसमें ग्रुप में एक प्रतिशोध फैल गया कि अब बदला लेना है कारगिल की। मैं बात कर रहा हूं क्रॉस के पर्वत कहा जाता है, क्रॉस के पर्वत आप गूगल पर सर्च करेंगे, क्रॉस के पर्वत बहुत ज्यादा बर्फीले, बहुत ज्यादा पेड़ों वाले, जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, कौन कहां पर आया किसी को पता नहीं लगता था। क्रॉस के जंगल उनको कहा जाता था, क्रॉस के पर्वत। क्रॉस फायरिंग जब होती है तो लेफ्टिनेंट ने लगभग लगभग 57 टेररिस्टों को अकेले मारा था, विक्रम बत्रा जी 57 टेररिस्ट एक बार में गिरा दिए थे, 57। ऐसी वीर शहादत नहीं हो, 57 टेररिस्ट उन्होंने एक बार में गिरा दिए थे। फर्स्ट उसमें होगी आर्मी की फर्स्ट पोस्टिंग थी उनकी कश्मीर में, 57 टेररिस्ट एक बार में मार गिराए थे। लगभग 8 सोल्जर्स जब उस चोटी पर पहुंच गए थे, अलग अलग 12 जत्थे थे टेररिस्ट के, जत्थे से मतलब जैसे हट बना लेते हैं जब पहाड़ों पे निकलते हैं ना, तो टेररिस्ट अलग अलग अपने सीमेंट के गट्टे रखते हैं अपने बचाव में अगली तरफ, और उनके वहां ऐसे 12 जत्थे थे, 12 के 12 खत्म करे उस बटालियन ने, 57 टेररिस्ट मारे फर्स्ट टाइम में, केवल विक्रम बत्रा जी ने, अकेले की बात कर रहा हूं। कैसी वो विभूति रही होगी आप अंदाज लगा के देखो, पहली पोस्टिंग में 57 आदमियों को मारना, 57 दुश्मन जो अपने देश के खिलाफ पड़ेगा, और लगभग आधा उन्होंने कश्मीर ऑक्यूपाइड कर लिया था। जब ये 57 की डेथ हो चुकी थी, टेररिस्ट मार गिराए थे, लगभग आधा कश्मीर उनके कब्जे में था। 3:54 पे रात में तिरंगा फहरा दिया था उन्होंने, 3:54 पे रात को तिरंगा फहरा दिया था योगेश कुमार जोशी जी के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट रहे वो, और उनका भी नेतृत्व जो कर रहे थे योगेश कुमार जोशी जी, यानी उनसे भी तो सीनियर थे। तो उनको उन्होंने बताया कॉल करके कि ऐसे ऐसे इस तरीके से हमने यहां पर तिरंगा फहरा दिया है, उधर से कॉन्ग्रेचुलेशन मिलती है, और कहा जाता है जोशी जी के द्वारा, जो मेजर थे मेजर जोशी जी के द्वारा कहा जाता है, दिल मांगे वो। जोशी जी ने अपनी तरफ से रिप्लाई किया इसको लेफ्टिनेंट का उनको विक्रम बत्रा जी को, दिल मांगे वो, यानी बढ़ते चलो अगली जो चोटियां हैं उसके लिए आप तैयार होकर के और चलिए, और उनको कैप्टन साहब कहने को कहा। लेफ्टिनेंट थे लेकिन उन्होंने कैप्टन को गाली दे दी कॉल पर, कैप्टन साहब दिल मांगे वो। तो फील करना पड़ेगा उस टाइम उस मूवमेंट का नजारा क्या होगा, जिस टाइम वो तिरंगा लहरा होगा, समझ के देखिए उस बात को, उस मूवमेंट को समझ के देखिए। जो वहां के सैन्याध्यक्ष रहे उस टाइम वेद प्रकाश मलिक जी, उन्होंने कॉल करके उनको बोला कि आपकी प्रोन्नति हो गई है, यानी आपका प्रमोशन हो गया है, और वो कैप्टन का उनका तैनात हो गया, उनका जो अपॉइंटमेंट था वो कैप्टन के लिए अकाउंट हो चुके थे, कैप्टन बन चुके थे। जब द्वारा से लड़ाई स्टार्ट होती है, कारगिल युद्ध पूरा नहीं हुआ था, ऊपर पहुंचते हो लगातार वहां के जो आस पड़ोसी थे, यानी जो नेबर्स थे वहां पर जहां पर वो लड़ाई चल रही थी,
वो उनको काफिर कहकर पुकारते थे, काफिर उल्टी सीधे उनकी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़, बहुत गंदी गंदी गालियां, उल्टे सीधे उनको किसी भी तरीके का तराजू, काफिर कहकर उनको नाम दिया कि काफिर ऊपर ना आए, काफिर ऊपर ना पहुंचे, इस तरीके से उनके लिए बोला गया। इस तरीके से कारगिल जो विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल का जो युद्ध रहा था उसको उस पर जाकर के जब उन्होंने झंडा फहरा दिया उस पर, इस तरीके से वो कैप्टन बने। और एक बात और, जब वो अपनी छुट्टियों पे आया करते थे, जब छुट्टियों पे आया करते थे, छुट्टियां पूरी नहीं हुई थी उनकी, तो बीच में उनको पता लगा इस तरीके से कारगिल की लड़ाई चलती है, अपनी छुट्टियों का ऑफ लेकर के, यानी अपनी छुट्टियां कंप्लीट ना होने पर भी अपनी छुट्टियों से वहां पर पहुंच जाना कश्मीर पर, ये खास बात रही होगी। जब छुट्टी मिलती है तो सैनिक को इंतजार होता है कि एक महीना दो महीना कितनी छुट्टी लंबी मिलती है, उस छुट्टी में उनको पता लगता है कि इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाने हैं और ऐसे ऐसे लड़ाई छिड़ रही है। तो युद्ध मैदान में अपनी छुट्टियां लगभग चार पांच छुट्टियां वो व्यतीत करके गए थे, उसके बाद अपनी छुट्टियां वापस लेके कि कभी दोबारा होना, और वो लास्ट छुट्टियां नहीं होंगी, लास्ट होली पर अपनी जो उनकी प्रेमिका थी उनसे मिलके गए थे, डिंपल सीमा उनका नाम था, आप सोच के देखना समझ के देखना, डिंपल सीमा जी जो की है सॉरी डिंपल सीमा जी, उनसे जब वो दास भाई मिलके गए थे, शादी नहीं हुई थी तब तक, उनकी प्रेमिका रही है डिंपल सीमा जी, आज तक भी शादी नहीं करी उन्होंने, आज भी उन्हें अपने विक्रम बत्रा जी का इंतजार है। और लास्ट टाइम जब वो मिले थे उनसे, मनसा देवी जो हमारी देवी है, नौ देवियों में नौ दुर्गों में गिना जाता है उनको, मनसा देवी पर जाकर के उन्होंने उनकी अपने लड़ से यानी खून से उनकी बात करी, अपने खून से मनसा देवी में जाकर के वहां पर अपने ब्लड से उनकी मां करके गए थे, लास्ट जो होली अपनी प्रेमिका के साथ वहां पर व्यतीत की थी, अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। और जब सीधी सीधी छाती में गोली लगी, छाती में गोली लगने से उनकी मौत हुई थी, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो छाती में गोली लगी थी, मात्र 24 साल के थे, 24 साल की उम्र में आप अंदाजा लगा सकते हो क्या उम्र रही होगी, 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाना। जब गोली लगी थी अंतिम शब्द थे दुर्गा माता की जय, ये उनके लास्ट शब्द थे जिनके साथ उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और ऐसी विभूति को ऐसी वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं, कॉलेज परिवार नमन करता है जिनकी बदौलत आज हम ये आजादी का उत्सव मना पा रहे हैं, नमन है ऐसी शक्तियों को, और वो हमेशा जिंदा रहेंगी हमारे बीच, वो डेथ नहीं हुई होंगी, केवल उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी, केवल उन्होंने अपने प्राण त्यागे, शरीर छोड़ा, केवल हमारे बीच में आज भी वो जिंदा है, और कहीं ना कहीं आज भी देश की रक्षा करते हैं। एक बाप की आंसू, आंखों में कभी आपने आंसू नहीं देखे होंगे जब उसका बेटा गुजर जाता है किसी के लिए, जब वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देता है, एक बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं देखता होगा, एक भी फोटो मुझे ऐसे निकाल के दिखा दे रहे गूगल से जिसमें बाप रोता हो, मुझे नमन है ऐसे उस आदर्श को, नमन है ऐसी माताओं को जिन्होंने इस तरीके के बेटे बेटियां इस देश में उतारे और देश की रक्षा कर रहे हैं, आप डटे हुए खड़े रहते हैं, कितनी बर्फ हो, कितने पानी हो, कितनी सर्दियां हो। छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं लास्ट टाइम, एक फौजी थे उसमें वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो बर्फ होती है, बर्फ में वो धसे खड़े रहते हैं, उनके पैर लगभग लगभग ये मानना है लगभग लगभग पैर जो है वो पूरे जमीन में रहते हैं बर्फ के अंदर, पेड़ पौधे बहुत होते हैं उस इलाके में, तो उनको ये तक नहीं पता लगता, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया जोक का नाम सुना था, जोक जो खून चूसती है, खून पीती है, जोक होती है वो जोक उनको लगभग लगभग आठ आठ नौ नौ घंटे बाद पता लगता था कि मेरे जोक लगी हुई है बॉडी पर, कहीं कमर में, कहीं पैरों में, कहीं जूतों में घुसी हुई है अंदर, उनका खून चूस रही है, इतना बर्फीले उसमें इतने ठंडे इलाके में वो रहते थे कि उनको पता ही लगता था कि कितनी जोक चिपकी हुई, कि जब हम बाहर आते थे जब अपने उसमें जहां पर उनका ठहराव होता था वहां पर जाकर के लगभग लगभग 50 से 52 जोक वहां पर निकालते थे अपनी बॉडी से, अगर एक जोक चिपट जाए ना कभी ट्यूबवेल के पास नहाने का मौका मिले, गांव में जाते हैं सभी, गांव से ही बिलोंग करते हैं, कभी गांव में जाने का मौका मिले तो ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल की जो
छिपी रहती है, बहुत सारी होती है। अब एक अगर चिपट जाए ना तो उसको छुटाना भारी हो जाता है, उसका मुंह भी टूट जाता है। अगर वो हमारी बॉडी से चिपट जाती है जैसे कान का जुड़ा होता है, उसका मुंह टूट जाएगा लेकिन वो हटती नहीं है। ऐसी 50-50 जो उनकी बॉडी में चिपट रहा खून पीना, उसके बावजूद वो डटे हुए हमारी रक्षा के लिए। मैंने कल भी बात की थी, तीन तरीके की सेना होती है, वायु सेना, थल सेना और थल सेना। अगर तीनों की अलग अलग बातें की जाए, तीनों का अलग अलग स्ट्रगल गिनाया जाए, तो ये शब्द भी कम पड़ जाने उनके लिए, उन विभूतों के लिए। तो ऐसे माता पिताओं को जो अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करते हैं, वो तैयार होते हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसी दिन वो उनका दिल इतना मजबूत हो जाता है कि ये शायद लास्ट दिन हो सकता है स्टार्ट करने का। जब वो मिल के जाते हैं ज्वाइनिंग पे, तो देखें आप ऐसी मूवीज देखा करें, पता लगेगा हमें अपने जो देश के जो वीरांगना है उनके बारे में पता लगेगा, जो विभूतियां रही है, जो वीर गति को प्राप्त हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। कुछ लाइनें बोली थी उन्होंने, कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्रकूट है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द थे, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहां यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। सभी ने सुनी होगी शायद लाइनें, और बड़ी फेमस रही और बड़ा उत्साह मिलता है लाइनों को सुन करके। जब सुनते हैं ना तो जोश बढ़ जाता है देश के नाम। यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हमारे लिए हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और जब हमारी डेड बॉडी गिर जाएगी और उसके बाद जो अस्थियां सिलाने के लिए हम अपने अस्थियों को सिलाएंगे, तो जब वहां पर प्राण लगा के उस पानी से सुनेंगे तो उसमें आवाज आएगी भारत माता की जय। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था और आज भी उनके शब्द जिंदा है हम सभी के लिए। जब उस पानी में तैरते हुए उस पानी के प्राण लगा के सुनेंगे तो वहां पर आवाज पहुंचेगी, आवाज आएगी हमारे कानों में भारत माता की जय। तो इतनी इतनी बड़ी शख्सियत जो भारत के लिए कुर्बान हो गई, भारत के लिए अपने प्राण न्योछावर कर गई, ऐसी विभूतियों को कॉलेज परिवार नमन करता है और उनके चरणों में हमारा वंदन है, हमारा अभिनंदन है। और ऐसी विभूतियों के लिए हम हमेशा हमेशा उनको सम्मान देने के लिए उनके लिए इस तरीके से उनको याद किया करेंगे। नमन है ऐसी शक्तियों को, ऐसी वीरांगनाओं को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करूंगा। एक बार दोबारा से आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।